हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा ना मूड ऑफ हो गया है। 5 मिनट के रास्ता में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों घर से बाहर निकली हूँ। बट क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक तो अपने हाथ में नहीं है ना। और जैसा कि आपको पता है कि होली आने वाली है, तो बस उसी के लिए एक दो ड्रेस अगर पसंद आए तो लेने के लिए ज्ञान भवन आए हैं। जी हाँ, ज्ञान भवन यहाँ पे सेल लगा हुआ है। आप भी बोलेंगे सेल का नाम सुन के पता नहीं इसको क्या हो जाता है। तो सभी लड़कियों का ये सेल का नाम सुन के पागल हो जाती है। तो बस हम लोग भी आए हुए हैं। ये है, ये कहाँ जाएंगे मुझे छोड़ के, तो देखते हैं अगर कुछ पसंद आता है तो लिया जाएगा। तो चलिए एंट्री करते हैं। देखिए, ओ माय गॉड, लग रहा है कि मेरे आने से पहले ही सब बिक चुका है। इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, बहुत भीड़ है यहाँ यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं कुछ मिल पा। ये बिलिंग का लाइन देख रहे हैं, ये बिल कराने वाला लाइन है सिर्फ। बाबा, शॉपिंग डन, मैंने कुछ भी नहीं लिया अपने लिए। बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ मेरे लिए है, मुझे पसंद ही नहीं आया। बट हबी को 2 टी शर्ट पसंद आया तो उन्होंने लिया। बेटा के लिए तो मैंने कुछ दिन पहले ही लिया था, उसके बर्थडे का टाइम ड्रेस, तो उसके लिए अभी कुछ नहीं लिया है। बट देखते हैं, यहाँ से निकलते हैं अपने लिए, देखती हूँ अगर कहीं कुछ मिले तो बेहतर है, नहीं तो मुझे यहाँ तो पसंद नहीं आया। और ट्रैफिक ने अभी तक जो हालत खड़ा की थी ना, उसकी वजह से मूड ऑफ अभी तक है। तो वो बिलिंग के लिए लगे हैं, बट इतनी ज़्यादा लाइन है पीछे ना कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइन है। तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है बिलिंग के लिए, बट क्या कर सकते हैं, और कुछ कर नहीं सकते, तो बस वेट कर रही हूँ मैं। ये जेंट्स का बिलिंग का जो सेक्शन है ये पूरा, और लेडीज़ का बिलिंग का सेक्शन यहाँ से है। मोमोज आर डन और अभी खाएंगे हम लोग कुल्फी, और उसके बाद जाना है अभी मार्केट। तो चलिए चलते हैं, अब यहाँ से खाते हुए निकलेंगे। 30 रुपीज़ दे दीजिए। स्पाइसी का चटना और ठंडी ठंडी कुल्फी। कुल्फी है, मैं ज़्यादातर कुल्फी ही लेती हूँ, मुझे कुल्फी बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्जी मार्केट, सब्जी लेना है और मैं इमली खा रही हूँ। एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल रहा है कि मैं चक लिया है। हर लड़कियों का फेवरेट इमली। डेढ़ किलो। और मुझे मार्केट में दिख गया ये लाल मिर्च अचार वाला, तो मैं कैसे जाने दे सकती थी। मैं बहुत दिन से इग्नोर कर रही थी, बट नहीं, फाइनली मुझे दिख गया और बहुत ही ताजे थे। तो मैंने यहाँ से 3-4 किलो अचार के लिए मिर्चा उठाया। उसके बाद होली के लिए तो मार्केट सज चुका है, आपको पता ही होगा। तो बस इस छोटे शहजादे के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी जो इनको पसंद थी, तो हम लोग वहाँ गए लेने के लिए। मिर्चा के लिए जो अचार लिया है मैंने, उसके लिए मैंने मसाला सारा लिखवा दिया है, और अब वो बस निकाल रहे हैं। साथ साथ ले ही लिया है मैंने कि मैं अभी साथ में हूँ, तो जो जो चाहिए वो मैंने बोल दिया, लिख दिया और ले ले रही हूँ। वरना बाद में तो बहुत दिक्कत हो जाती है यार, ये लेना है ये लेना है। तो मैं आई हूँ तो लग गया मैंने मसाला भी खा ही लिया यहाँ से, बस अब पैक हो रहा है, उसके बाद लेके निकलेंगे हम लोग। और ये बेटा का बहुत ज़्यादा
गई मैं, ये रहा सब्जी, तो साइड कर दूँ फ्रिज में रखकर वापस आ गई हूँ। सब्जी वब्जी आ गया है, अब बस फटाफट से कपड़ा चेंज करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और अभी मैंने कल जो लिया था लाल मिर्चा, जी हाँ, तो अभी हम इसकी प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं अचार बनाने की। कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है बहुत बारीकी से। आप लोग भी बनाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा ही ये सारी बातें, मैं भी किए हूँ, बक बक कर रही हूँ। सबसे पहले मैं अच्छे से इसको वॉश करूँगी और मैंने 3 किलो अचार के लिए लिया है ये मिर्चा। ये कितना खूबसूरत लगता है, मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो सबसे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं वॉश, क्योंकि वॉश करना बाहर की चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसको अच्छे से हम लोग पहले वॉश कर लेंगे, जितने हैं अभी बहुत सारे हैं तो मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने वॉश कर लिया है और ये रहा जो हम लोगों के मिर्चे हैं। अब सबसे पहले हम लोग इसे ले चलते हैं बालकनी में, जी हाँ, क्योंकि मैंने इसे वॉश तो कर लिया है अच्छे से, बट अब हम इसे सुखाएंगे। तो देखिए धूप कितनी ज़्यादा तेज हुई है, मैं अभी आपको अपना फेस दिखा रही हूँ। एक्चुअली बहुत सुबह हो चुकी थी जल्दी ही, बट धूप निकलने का मैं वेट कर रही थी। मैंने जैसा कि मिर्चा का लिया था आपको दिखाया मैंने, तो मैंने अभी उसे अच्छे से वॉश करके धूप में डाल दिया है। आज पूरा दिन मैं उसे धूप में डाल के छोड़ दूंगी, अच्छे से सूखने दूंगी, ताकि वो अच्छे से उसका जो मॉइस्ट है वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए और मतलब गीला रहने का कुछ भी चांस ना हो। और वैसे भी मार्केट का चीज़ है तो वॉश करना तो ज़रूरी होता ही है, तो मैं उसे अच्छे से पहले वॉश करके आज के लिए पूरा दिन धूप में सुखाऊंगी और उसके बाद हम लोग कल करेंगे मसाले की तैयारी। मैंने मसाला भी कल ही ले लिया था, जैसा कि मैंने आपको कल ही दिखाया था। तो बस इस ब्लॉग में मैं आपको सोच रही हूँ कि मैं कैसे वो लाल मिर्च का अचार बनाती हूँ, उसकी रेसिपी आप लोगों को दिखाऊँ। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, बट मैंने अपनी मम्मी से देखा है कि वो ऐसे बनाती हैं, तो बस मैंने भी ऐसे ही बनाया। और पिछली बार भी मैंने सिर्फ ट्राई किया था, 1 किलो बनाया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं 2-3 बार मैंने मार्केट में देखा था, बट मैं भूल जा रही थी लेना, बट मैंने कल देखा तो मैं बोली कि नहीं अब मैं लूँगी, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए मार्केट में आते हैं नॉर्मली, मुझे ऐसा लगता है, और मैं बहुत कम ही देखती हूँ इसे मार्केट में। तो मैंने कल देखा तो मैंने ले लिया और इस ब्लॉग में आपको उसकी रेसिपी दिखाती हूँ मैं। तो बस बने रहिए इस ब्लॉग में, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है तो मैं कट करके दिखाऊँगी ओबियसली। तो देखिए कि मैं अचार कैसे बनाती हूँ, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी अपने घर में ऐसे ट्राई कीजिएगा। तो फिलहाल आज उसे छोड़ देते हैं, दिन भर सूखने देते हैं, बाकी का प्रोसेस कल बताती हूँ। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। मैंने अच्छे से इसका जो है अंदर में जो भी मतलब रहता है दाना वगैरह सब काट के अच्छे से मिर्चे को निकाल लिया है। कल मैंने इसे सुखा दिया था, अभी इसे अच्छे से निकाल लिया है और अब हम करेंगे मसाले की तैयारी। तो मैं आपको बस दिखा देती हूँ कि मसाले में क्या क्या है। तो ये जीरा है, सरसों, मेथी, लाल मिर्च, खट्टापन के लिए अमचूर पाउडर है, सौंफ है, धनिया है, नमक है और हल्दी रहेगा और काली मिर्च। बाकी ये सारी चीज़ों को पहले अभी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, उसके बाद मिक्सी में पीसूँगी, उसके बाद जो प्रोसेस होगा मैं आपको दिखाऊँगी। तो फटाफट से पहले ये जो सारे मसाले हैं पहले मैं इसे ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में पीस लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मसाला पूरी तरीके से अच्छे से पिसा गया है और इसमें जो बाद में चीज़ें ऐड होती है वो मैं दिखा रही हूँ। मैंने इसमें डाला है हल्दी, नमक, अजवाइन और मंगरेला, सौंफ। मैंने यहाँ पे सौंफ पीस के भी डाला है और कच्चा भी डाला है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और खट्टेपन के लिए हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। लास्ट में हम यहाँ डालेंगे सरसों का तेल, आप इसे गर्म करके थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद इसे डालिए और उसे मिला देंगे मसाले में।
मसाला बन जाने के बाद बारी आती है इसको भरने की, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है और बहुत ज़्यादा मेहनत होता है इसको करने में। मतलब मुझे ये जितने मतलब 3 किलो अचार भरने में अकेले ही भरना था तो कम से कम मुझे 1.5-2 घंटे लग गए इसको, क्योंकि अंदर तक स्टफिंग जानी चाहिए मसाले की, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो मैंने कैसे भी करके फाइनली इसको भर लिया। बहुत ज़्यादा हाथ दुख रहा था और जल रहा था मिर्चा की वजह से। ये मैंने अपने मिर्चे को अच्छे से फिलिंग कर लिया है, बहुत ही अच्छे से एकदम। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। और एक देसी जुगाड़ हम क्या करते हैं कि मेरे पास इतनी से मसाला बच गया है, तो मैंने क्या किया है कि जब हम लोग मिर्चा निकालते हैं तो ऊपरी जो हिस्सा होता है वो तो निकाल देते हैं हम लोग, बट हम लोग इसको फेंकते नहीं हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे धूप में हम लोग सुखा देंगे। ये भी एक अचार हो जाएगा, है ना। मसालेदार आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी 2-4 दिन में अच्छे से जल जाएगा और इसका भी टेस्ट बिल्कुल इसी अचार की तरह लगता है एकदम। तो बस हम लोग इसे भी अचार की तरह यूज़ कर लेंगे। अरे यार, देसी आदमी है, पैसा लगा हुआ है तो कोई भी चीज़ वेस्ट क्यों करे, है कि नहीं। तो बस हम लोग इसे भी यूज़ करेंगे, तो धूप में इसे रखते हैं। इसे आज पूरे दिन में धूप में रखने वाली हूँ और शाम को मैं इसे कांच की बढ़नी में डाल के सरसों का तेल जब मैं डालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो इसे पूरे दिन आज के लिए धूप में छोड़। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। अभी मैं अचार जो मैंने धूप में सुखाने के लिए रखा था उसको मैं बढ़नी में डाल रही हूँ। ये एक सिंगल बाकी रह गया है, मैंने बहुत सारा डाल दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड रुकिए, बैक कैमरा से दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने बढ़नी में अचार भरना शुरू कर दिया है। मैं इसमें अच्छे से हमारे जो ये अचार है, ये देखिए, आप अगर ध्यान देंगे तो कल की तुलना में आज जब मैंने इसे धूप में सुखाया तो और ज़्यादा सूख चुके हैं। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि ये जो हमारा अचार है वो और ज़्यादा ड्राई हो चुका है। यही रीज़न है कि हम लोग इसे पहले धूप में सुखाते हैं, उसके बाद हम इसे डालेंगे बढ़नी में। अब हम इसे अच्छे से लेयरिंग करेंगे, मतलब लेयरिंग क्या मतलब, अच्छे से लगा देंगे हमारे जो अचार है उसको, ताकि इसमें तेल अच्छे से जाए। क्योंकि इसको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल डालेंगे एंड देन हम इसे बंद करके कल से अब कंटिन्यू धूप में डालेंगे। बस हमारा अचार जो है वो रेडी है ऑलमोस्ट। मैंने कितना ये बड़ा वाला बढ़नी लिया था, ये पहले से ही था मेरे पास, मैंने इसमें आम का अचार बना के रखा हुआ था। तो मैंने फिर इसे क्या किया है कि दोपहर में इसे अच्छे से वॉश करके धूप में अच्छे से सुखा दिया है ताकि कोई भी पानी ना लगा हो इसमें। तो बस फटाफट से पहले इसको करते हैं हम, उसके अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। जी हाँ, भर के सरसों का तेल इसमें जाएगा, एकदम अच्छे से जाएगा। आप यहाँ देखिए, हम सरसों का तेल चारों तरफ डालेंगे, ऊपर में ऐसे चारों तरफ फोड़ करते जाएंगे ऐसे, और ये नीचे में जो है वो चारों तरफ जाते रहेगा। आप देख सकते हैं, तो बस मैंने तेल यहाँ तक डाला है, अभी यहाँ तक है, आधे से भी कम है। मैं अभी इतना ही रखूँगी, उसके बाद इसे मैं धूप में डालूँगी जैसा कि मैंने बताया, एंड उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि और तेल की ज़रूरत है फिर मैं डेफिनेटली, मुझे लग रहा है कि और आधा किलो भी तेल जाएगा तो उसे ही डालेंगे हम लोग। फिलहाल अभी इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। और ये कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो देख के ही मतलब मज़ा आ गया। सोच रही हूँ कि जब ये बन जाएगा तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब कलर देखो, माय गॉड, कलर कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, अब आप देख ही लो। और ये हमारा जो घरेलू जुगाड़ है, इसे कैसे छोड़ दें, ये भी अच्छे से सूख गया है, तो हम इसमें भी थोड़ा सा जो है मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और मिक्स 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 मिक्स
और कुछ नहीं, बस इसे भी मिक्स करेंगे और इसे भी धूप में डालेंगे। इतनी तेज़ धूप हो रही है पटना में कि ये तो 2 दिन के अंदर ये खाने लायक हो जाएगा, बट इससे हम अभी कम से कम 8 से 10 दिन धूप में डालेंगे, तब ये जाके अच्छे से गलेगा और फिर हम इसे चख पाएंगे। जी हाँ, तो इसे अब हम बंद करके अभी रख देते हैं, कल हम धूप में दिखाएंगे, लेकिन ये तो 2 दिन के बाद ही खाने लायक हो जाएगा, तो इसे हम खाना इंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो अचार है वो बन चुका है, आप देख लीजिए, मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अच्छे से कि ये जब पक जाता है तो ये कितने अच्छे से गल जाता है। आप देखो कितने अच्छे से ये गला हुआ है और इसका टेस्ट तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं तो नहीं बता सकती यहाँ से ये कितना ज़्यादा टेस्टी होता है, मैं वर्ड में नहीं डिस्क्राइब कर सकती। और ये अच्छे से गल चुका है, तो बस कैसा लगा आपको अचार का रेसिपी आप बताइएगा, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए।